रामगढ़ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत। आपने अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पर पधारे, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। 30 वर्षों का आपका जो सफर रहा ये कैसा रहा? बहुत शानदार। मैं 28 जून 1995 को आर्मी में भर्ती हुआ था एज ए सिपाही। देन आफ्टर मैं फॉरन लैंग्वेज कोर्स किया था चाइनीज लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद मेरी पोस्टिंग होगी आर्मी इंटेलिजेंस के अंदर। उसके बाद मेरे को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिली बहुत अच्छे लेवल पर सर्व करने का। आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे को ऐसी प्राउडफुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करने का मौका मिला। मैं तो इतना ही कहूँगा। और 20 साल का जो सफ़र मैंने डिफेंस करियर के अंदर इसके अंदर आई हैव लिव्ड अ कंप्लीट लाइफ। आप बताइए सर। मैं आपके लिए चंद लाइनें कहना चाहूँगा कि आकाश की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका, हम रहते हैं एक छोटी सी दुनिया में पर खुदा करे सारा जहाँ हो आपका। वास्तव में धन्य मानता हूँ मनोज जी के माता पिता को जिन्होंने मनोज जी को जन्म दिया। ये बहुत बहुत शुक्रिया। जन्मभूमि है हिंदुस्तान की, ये अपने आप के अंदर धन्य है। और स्पेशली हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं शेखावाटी एरिया से, ये तो वैसे ही वीरों की खान रही है। हमारा ट्रेडिशन है यहाँ पे डिफेंस और आर्मी, हमारे यहाँ के मिट्टी के कण कण के अंदर फौज और जो देशभक्ति है, तो आत्मा ने मैं तो उसकी एक छोटी सी कड़ी हूँ। अच्छा लगा। भारत वीरों की धरा है, दोरों की इस माटी में शौर्य और साहस की गुट्टी गुली है, देशभक्ति खोने की गीत यहाँ मालोरियों में सुनाती है। आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? के चैनल के माध्यम से स्पेशली मैं तो युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि जो अपने एंसेस्टर्स हैं उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, इसलिए अभी आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं इसके लिए बहुत माओं ने कुर्बानियाँ दी हैं। युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना? युवा वर्ग को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो बिना मतलब के पॉलिटिकल स्टंट जो चले हुए हैं कि अग्निवीर ये है वो है स्कीम जो ये है, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं ये इसको एक वो बोलते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। किसी चीज़ का हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है ना, तो हम लोग उसकी भ्रांति फैला देते हैं तो उसमें पता नहीं चलता। तो आज की युवा पीढ़ी को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि इन भ्रांतियों में न जाए और ये जो अग्निवीर की जो स्कीम है इसको प्रॉपरली स्टडी करें, देन आफ्टर वो डिसाइड करें। ये जो गवर्नमेंट ने इस स्कीम को जो लॉन्च किया है काफ़ी कुछ वर्कआउट करने के बाद में किया है, तो मेरे ख्याल से उनको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। दे शुड वर्क हार्ड, उनको ट्राई करनी चाहिए और देश सेवा के लिए मौका अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली वो सक्सेस होंगे। क्या खूबसूरत पल हम आपके समक्ष रहकर बिताना चाहते हैं? हम हुए हैं, आप हुए हैं और खूबसूरत सा माहौल दूर रहकर आपने कुछ पल हमें दी, हमारी चाहतों को आपने दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तू थोड़ा साइड हो गई आगे तो सागर जाएगी। Thank you.
जय मैं मेरी नाक बनाऊंगा आपको ले।